लोग पाकिस्तान से आए या दूसरे मालिक से यहाँ आकर आबाद हुए हैं, उनके पाकिस्तान भी घर हैं। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान जाता हूँ, अगर मेरा क्या वहां पर 15 दिन से कम है, आया कि वो वहां पर नमाज कसर अदा की जाएगी या कि उस घर को अपना घर तसव्वुर किया जाएगा, इसमें क्या हुक्म आएगा? देखिए, हम इसको जनरल ले लेते हैं। जो जी लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, ये जी डिपेंड करता है कि वो किस मुल्क में गए हैं, उनके हालात क्या हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सऊदीया को देखें या दुबई को देखें, इन ममालिक में जो लोग जाते हैं जी उनको पता है कि हमने एक दिन वापस अपने घर ही जाना है। उनका जी बेशक काम है, वो 10 साल रहे उधर, 12 साल रहे, क्योंकि उधर उनको रेजिडेंसी नहीं दी जाती, बिल्कुल परमानेंट उनके पास उधर की रिहाइश नहीं होती है, वीजा नहीं होता है। इस वजह से उनका तो यही है कि जब भी वो अपने घर जाएंगे तो वो उनका वतन असली है और उन्होंने उधर जाके पूरी नमाज ही पढ़नी है। जो जी लोग यूके हैं या अमेरिका है या इन ममालिक में आते हैं जहाँ पर वो परमानेंट रहना शुरू कर देते हैं और जी उनके अहलो अयाल जो हैं, बच्चे हैं, वो इधर ही सेटल्ड हो जाते हैं, वो खुद उनको पता होना चाहिए कि उनके जहन में क्या है कि हमने वापस पाकिस्तान जाना है, आखिरकार उधर ही रहना है या अब हम जी इधर ही रहेंगे। तो अमूमी तौर पर तो यही है कि जो लोग आते हैं, अगर सेटल हो जाते हैं, तो उन्होंने सारी जिंदगी इधर ही यही रहना ना होता है। तो इस सूरत के अंदर अब वो जो पीछे था वो अब उनका वतन असली नहीं रहा। तो अब जब वो वापस जाएंगे, अगर वो वापस जाते हैं और 15 दिन या 15 दिन से जायद के लिए जाते हैं, तब तो वो पूरी पढ़ेंगे। लेकिन जी अगर हफ्ते के लिए जाते हैं तो फिर वो कसर पढ़ेंगे। अगर अच्छा उनको यकीन है इस चीज का, वो जहनी तौर पर समझते हैं कि अब हम पाकिस्तान हमारा वतन नहीं है असली, बल्कि अब हमने उधर ही रहना है, उधर ही हमारा सारा कुछ। जी माशाल्लाह।